Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित उपाध्याय ने कहा है कि प्रतिवर्ष विश्व भर में 1 करोड़ जबकि भारत में 17 लाख शिशु जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं। इनमें से 40% बच्चों की न्योनाटेल पीरियड में ही मृत्यु हो जाती है। इस दर को कम करने के लिए जागरूकता बेहद आवश्यक है। भारत सरकार भी जन्म दोष माह का आयोजन कर रही है। बच्चों में सभी प्रकार के जन्म दोषों का बचाव व इलाज संभव नहीं है, लेकिन कई तरह के जन्म दोषों को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल करके दूर किया जा सकता है। डॉक्टर अमित उपाध्याय शुक्रवार को न्यूटिमा हॉस्पिटल में जन्म दोष जागरूकता माह के अंतर्गत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। देखिए क्या बताया डॉक्टर अमित उपाध्याय ने। तो ये बर्थ डिफेक्ट मंथ के ऊपर हम लोगों ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक और नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ने एक ये वर्कशॉप रखी थी और CME इसमें इस माध्यम से हम आम जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते थे कि अगर किसी बच्चे को पैदा जो होने जा रहा है पेट में ही उसकी डिफेक्ट की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सबका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए और बर्थ के बाद उसको किसी बच्चों के डॉक्टर को देखना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें और सही जगह पे उसका रेफरल हो सके, जिससे उसकी सर्जरी या मैनेजमेंट जिसको रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। क्योंकि बर्थ डिफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 8% ऑफ न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। 8% इज लार्ज। पूरी दुनिया में होते कितने हैं बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ? 1 करोड़ बच्चे सालाना तकरीबन बर्थ डिफेक्ट से पैदा होते हैं। इसमें से अबाउट 20% इंडिया में होते हैं। इंडिया में पॉपुलेशन इंडिया के अबाउट 16% है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन बर्थ डिफेक्ट रेट ऑलमोस्ट 20% है, क्योंकि हमारे एंटीनेटल डायग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं रहती। तो बर्थ डिफेक्ट रेट 20, बर्थ डिफेक्ट इंडिया में जन्म लेते हैं, तो इट्स ए लार्ज प्रॉब्लम। और ये नवजात शिशु जो मॉर्टेलिटी है भी करंट न्यूनतम मॉर्टेलिटी अबाउट 20 पर, पहले ये 40 हुआ करती थी नेशनली, अब 20 के करीब आ गई है 20 से 22। सो इसका अबाउट 8% बर्थ डिफेक्ट की तरफ से होता है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट। नॉट ऑल मॉर्टेलिटीज आर प्रिवेंटेबल बिकॉज ऑफ दिस। कोई मेजर हार्ट डिजीज है किसी को तो वो नहीं ठीक हो सकती। अच्छी बात ये है कि मेजोरिटी आर नॉन फेटल, है ना। जब किसी का पैर टेढ़ा है वो भी बर्थ डिफेक्ट में आता है, CDE क्लब फुट जिसको कहते हैं, किसी के तालुआ है, क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, वो भी बर्थ डिफेक्ट में आता है, तो वो भी ट्रीटेबल है। किसी को मेनिंगोमाइलोसील है बिना ब्रेन में अफेक्ट किए हुए, वो भी ट्रीटेबल है। क्लिप पैलेट रीढ़ की हड्डी का मेनिंगोमाइलोसील या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और क्लब फुट, ये 3 हमारे बाहर से दिखने वाले सबसे कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। जो अंदरूनी डिफेक्ट्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। जैसे हार्ट डिजीज एक कॉमन डिफेक्ट है, आंतों की पेट और आंतों की बनावट की दिक्कत, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिफेक्ट, ये मॉर्टेलिटी के साथ रहते हैं। एनल एक्रेजिया बहुत कॉमन एक डिफेक्ट है। स्पर्म डिजीज जिसके अंदर नसें नहीं रहती, वो एक कॉमन कैनाइन डिफेक्ट है। और ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट की और CNS की, CNS से मैलफॉर्मेशन होती है, जैसे किसी का ब्रेन प्रॉपर नहीं बना हुआ, किसी के अंदर केवल एनेंकेफेलिक टाइप रह जाती है, तो ये सब हाई मॉर्टेलिटी रहते हैं। पहले 1 महीने में 50% डेथ ड्यू टू बर्थ डिफेक्ट हैपन 1 मंथ, और जो 1 महीना निकाल लेता है उनमें फिर ठीक ही रहने की चांस है। इसके बाद बॉडी जो है ना एक्लेमेटाइज कर चुकी है उस हिसाब से, और ही इज लाइकली टू सर्वाइव। यहाँ पे हमारा रोल आता है स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग फॉर बर्थ डिफेक्ट जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहता है, और एंटीनेटल पीरियड में इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। कुछ चीजें इतनी सिंपल हैं लेकिन स्टिल हम इंडिया में उनको नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और इस अवेयरनेस को हमें जरूर सब तक फैलाना चाहिए कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बहुत कॉमन, सबसे कॉमन सर्जरी के लिए जाता है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में रहता है। अगर माँ प्रेगनेंसी से पहले और 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक फोलिक एसिड की गोली लेती रहे तो आप ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हर उसको जानना चाहिए, और ये पहले से शुरू हो जाता है इसको देना। अगर एक बार आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोज जब हो गई, क्या प्रेगनेंसी डायग्नोज हो गई, अब हम फोलिक एसिड फायदा नहीं होने, पहले कंसेप्शनल देना रहेगा। जब वो अपना उसका स्पर्म जाके और एग जब मिलके एक जायगोट बनाते हैं
उससे पहले उसको फॉलिक एसिड देना पड़ेगा। तो मतलब उसको जब कोई उसकी वो प्लान ही कर रहे, सोच रहे कि अब भाई हमें प्रेगनेंसी करनी है, तो फॉलिक एसिड उस टाइम पे ही शुरू हो जाना चाहिए। कि बच्चे को जब पैदा होने के बाद एक बार उसको हेड टू टो ऊपर से नीचे तक पूरा एक बार एग्जामिन सबको जरूर करना चाहिए। उसमें छोटी छोटी कमियां भी हैं उसको हमें बता के, कई बार एक एक्स्ट्रा डिजिट हो सकती है किसी को, दो उठे या छह उंगलियां हैं, तो वो फैमिली को बता के उनकी एंग्जाइटी हमें दूर करनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।